पीहू को आज तक कभी ऐसा करते हुए देखे नहीं, लेकिन इसको कुछ भी गलती से मतलब वो जैसा बच्चा है ना लड्डू लड्डू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा मजाक उड़ा रही है, लोगों देख रहे हैं मेरा मजाक उड़ा रही है, बैठ के यहाँ पर बच्चा का खाना खा रही है, इतना बदमाश लड़की है। हेलो गाइस, हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को, हमारे पूरे फैमिली नौटंकी करेगी तुम उसका वो मजाक कर रही है, उसका बाद छोड़ उसका दिमाग मत लीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा। और आप सभी को हमारे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी गणेश इसका चक्कर में हम भी मतलब मेरा भी लैंग्वेज गड़बड़ा जा रहा है, इतना फालतू। हैप्पी गणेश चतुर्थी, मजाक मत कर समझी, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं। तो आप लोग गणेश पूजा कर लिए कि ना, कमेंट करके फटाफट बताइएगा। और हमारे यहाँ तो ये पूजा हो गया, हो गया पूजा ना पंडाल में, हो रहा पूजा भी हो रहा है, बहुत बड़ा मेला लगा है। मेला तो गणेश मेला में लगा है, काहे उल्टा उल्टा बक रही है तू, पगला गई है क्या सुबह सुबह? ये साल गणेश पूजा 7 तारीख से 22 तारीख तक है। इस बार सब पूजा सामने सामने सट गया है। 7 तारीख को अभी हमारे यहाँ तो गणेश मेला रहता है, कम से कम एक महीने 15-20 दिन रहता है पूरा। 15-20 दिन नहीं है, कम है। दुर्गा पूजा सामने आ गया ना, पंडाल बन रहा है इसीलिए। दुर्गा पूजा 2 तारीख से स्टार्ट है, नवरात्रि आप लोगों को तो पता है। लड्डू का बर्थडे में तो हम रह नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा नवरात्रि पूजा चलेगा। हमको खुद खराब लग रहा है कि बच्चों को फर्स्ट बर्थडे है और हम रह नहीं पाएंगे बच्चा का बर्थडे। हमको खुद खराब लग रहा है, मेरे लड्डू का बर्थडे में हम नहीं रह पाएंगे। लड्डू लड्डू आज इसको उपमा बना के मनीषा खिलाई, पूरा मजे से चटका मार मार के खाया है। कभी कभी अलग अलग टेस्ट का खाना बना के खिलाने से बच्चे लोग उनको अच्छा लगता है। रोज दूध बिस्कुट खिलाएगी तो कोई भी बच्चा खाने नहीं खोजेगा। हम ही लोग उनको कोई एक चीज रोज देगा तो हम लोग खुद खाने खोजेंगे, नहीं अच्छा लगता है। ऐसी आज उसको मम्मी चिल्लाई बोल के सुबह में मम्मी बता दी ऐसा कर ऐसा वैसा बनाना, मतलब उपमा बना दी थी थोड़ा सा, अब वही वाला पूरा मजे से खाया। अब थोड़ा वो जो बच गया रे चटर मटर चटक चटक के खा रही, अच्छा लग रहा है ना। हम लोग का घर नहीं लेकिन अच्छा बनाई हम थोड़ा सा खा के देंगे ना बेटा को हम लोग तो बहुत प्यार करते हैं नहीं करेंगे यार, बोल रहे हैं क्या है लड्डू ही है तो यार बच्चा करेंगे। मनीषा का बेटा हम लोग का बेटा है पूरा, लड्डू ही है सब कुछ। अब लड्डू लड्डू ही है घर का ना, लड्डू लड्डू को जितना प्यार मिल रहा है ना, और किसी कोई बच्चे को ऐसे प्यार नहीं मिलेगा। जब फिर जाएंगे जब पैक कर दो लड्डू। दीदी उठी है ना अभी सो करके, कर दो पा दे दो, कैमरा ऑन किया मेरा। अपना नाक मुंह अपने दबाता है, बदमाश है, उल्टी जैसे करता है। बाप रे बोलिए मत, हम तो पीहू को आज तक कभी ऐसा करते हुए देखे नहीं, लेकिन इसको कुछ भी गलती से मतलब वो जैसा जमीन में कुछ गिरा रहता है ना, कुछ भी अगर वो खा लिया ना, पूरा उंगली घुसा लेगा अपना मुंह के अंदर करके उल्टी करने के लिए, पूरा उंगली घुसा के उल्टी करता है, उसके बाद वो आराम से उसको मिलता है। नहीं तो बहुत बच्चा होता है ना कि कुछ खा लेने से आग वकी लग रहा है, रोता है उल्टी करने के लिए, लेकिन वो नहीं, वो रोएगा नहीं, ओ उंगली घुसाएगा मुंह में और उल्टी करेगा, उसके बाद मजे से रहेगा। इतना मतलब ये बच्चा समझदार बच्चा है। आज से हमारे यहाँ पे मेला स्टार्ट है, और आज तो नहीं जाएंगे मेला क्योंकि आज रजनी हम तोतला जा रही, क्यों यार मैं बोलते बोलते लड़खड़ा जा रहे हैं, कौन आया है बोलिए, अभी तुरंत निकला हॉस्पिटल है TMS ना, बाबू गए TMS, हम हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल क्योंकि बड़ी माँ का बेटा इमरजेंसी में मतलब एडमिट है, पता नहीं क्या हो गया, पता है लेकिन आप लोगों को सभी शेयर नहीं कर सकते हैं, बाद में आप लोगों को हम बताएंगे क्या हुआ। कल रात में एडमिट किया है तो बड़ी माँ मैं भी फ़ोन की थी, तो अभी बाबू स्कूल से आया तुरंत निकले, हाँ दो पार्सल इसका आया है, लेकिन ये पार्सल अभी हम आप लोगों को नहीं, अच्छा आया कपड़ा
मेरा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, मेरा पतला आया लग रहा है। तुम भी पतला है? मेरा भी आया, मेरा ये पर्सनल है ना, 6-3 6 है। मंगाइए। हां, मिशो से मंगाना। अच्छा आता है। हाँ। तो मेरा भी मंगाना, ऑर्डर कर देना। ये फ्रेंड कपड़ा के अंदर में पहना जाता है ढंग करके, इसलिए दिखाया नहीं सकते। मेरा माँ पागल हो गई है ना। मार 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 बेटा, मार उल्टा उल्टा बात करती है, मार मार बेटा मार उल्टा उल्टा बात करती है ना। हाँ मार, बहुत फालतू हो गई तेरा मम्मी। सब पर हंसने से भी हंसेगा। जब पियो दीदी को पाक किया तो, जब पियो दीदी को पाक कर दो लड्डू, जब बिट्टू अभी उसको नहला देना तो तेल लगाते लगाते फिर झूमेगा। हाँ, कल ऐसे झूम रहा था ऐसे, जिधर तिधर ठोका जा रहा है। तो हम भी नाश्ता बना रहे थे, हम भी उपमा ही बना रहे हैं। लड्डू को उपमा देख के ना हमको खाने का मन कर गया। दीदी के लड्डू में उपमा, लड्डू के लिए जो बनाया था बहुत टेस्ट बना है। और यहाँ पे हमारा उपमा हम लोग सब के लिए, ये रहा, इसको अच्छा से ये करना होगा, घर से होगा नहीं तो उपमा मेरा बन गया है। इसको चला लेते एक बार अच्छी तरह से। और आप लोग क्या नाश्ता किए कमेंट करके फटाफट बताइए। और जो यहाँ से नहीं हो तो वो आ जाइए हमारे, मतलब जो यहाँ से है उनको तो पता गणेश मेला घूमना बहुत लोग जाते हैं। और जो दूर से है तो आ जाइए जमशेदपुर, हमारे घर एड्रेस दे देंगे। और यहाँ पे अभी 15-20 दिन मेला रहेगा तो हम सब सारे लेके जाएंगे मेला घूमने के लिए, खूब इंजॉय करेंगे। और इस बार मेला तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मेला बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्री में सारा झूला झूलेंगे। और जीजा भी काम कर रहे हैं। क्या हो गया? हाँ दे रहे। तो चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और जो जो यहाँ बाहर से है तो उन सब आ जाइएगा, सब साथ मिल के जाएंगे, मेला घूमेंगे। आप मेरे घर में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मतलब मेरे को। तो चलिए ये फिर ये ब्लॉग फिर ये पे एंड करते हैं। आज दिखाने फालतू हो गई है। तो चलिए ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल फिर मिलते एक न्यू अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू गाइस।